हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वास्थ्य शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 6, और इसके पहले मैंने पुनरावर्तन का वीडियो बना के भेज दिया था। पुनरावर्तन हमने बोला था आपको अपने मन से लिखना है, और दूसरा है कि अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव, छठा चैप्टर का मैंने आपको एक पैराग्राफ समझाया था। इस वीडियो में हम दूसरा पैराग्राफ समझाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती की क्या दशा थी। समझ में आया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता, जो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा, उससे मतलब उसका पड़ोसी राज्य है कि बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग खेती बाड़ी से अधिक महसूल वसूल करने लगे। क्या करने लगे? महसूल यानी कर्ज वसूल करने लगे किसान वर्ग से। जो अंग्रेज थे वो बिहार, बंगाल और बंगाल बिहार और उड़ीसा के किसान थे, उन लोगों पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि आय बढ़ाने के लिए उनको एक विशाल क्षेत्र मिल गया था। जो वहाँ के किसान वर्ग थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, उनसे क्या करते थे, अधिक से अधिक वसूली करने लगे थे। परिणाम ये आया था कि किसान वर्ग पैमाल हो गया था, यानी बहुत ही परेशान हो गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के किसान बहुत परेशान हो गए थे अंग्रेजों के इस अत्याचार से। अनेक बार घर के आभूषण बेचकर भी किसान वसूल नहीं भर सकते थे, यानी ऐसी दशा हो गई थी कि जो किसान थे वो अपना गहना आभूषण यानी गहना, सोना चांदी के जेवर जो भी थे वो भी बेच करके वो महसूल यानी वो कर नहीं चुका पाते थे। फिर उसके बाद क्या परिणाम आया कि उनकी ज़मीनें बेच दी जाती थी। अंग्रेज क्या करते थे, उनकी ज़मीन को बेच देते थे। किसानों की बहुत सी ज़मीन कर्ज में डूब जाती। किसान की जितने भी वहाँ के किसान थे उनकी बहुत सारी खेती बाड़ी थी, लेकिन क्या करते थे ये अंग्रेज, उन पे इतना कर्ज लाद देते थे कि वो भर नहीं पाते थे, और भर नहीं पाते थे तो वो अपनी खेती को ज़मीन को कर्ज में डुबा देते थे। बहुत से किसान साहूकारों के भारी ब्याज की प्रथा का शिकार बनकर बर्बाद हो गए। बहुत से जो किसान थे वो साहूकारों के भारी ब्याज के यानी ब्याज पे पैसा लिए हुए थे, तो वो क्या करते थे कि वो जब ब्याज नहीं भर पाते थे तो उसके शिकार बनकर अपनी खेती बाड़ी को बर्बाद कर दिए थे। फिर क्या हुआ, खेती बाड़ी टूट गई। इसी बीच में सन 1770 में बंगाल में भीषण यानी दारुण अकाल पड़ गया। एक बार क्या हुआ था कि अंग्रेजों के ज़माने में ही उसी बीच में बेचारों के, एक तो उनके खेती में से कुछ होता नहीं था, जब होता था तो ये अंग्रेज उनको जीने नहीं देते थे, इतने सारे कर्ज कर देते थे, कर उनके ऊपर कर लाद देते थे कि वो भर नहीं पाते थे तो वो लोग अपनी ज़मीन को बेचने लगे। पहले तो दागीने बेचे, फिर ज़मीन बेचना शुरू किए। फिर उसके बाद सन 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, बारिश हुई नहीं, सब बंद हो गया। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु भी हो गई। क्या हो गया, भूखमरी आ गई। जब भूखमरी आ गई, खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो लोग बहुत सारे लाखों लोग मर गए उस अकाल में। कार्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की। क्या किया था, कार्नवालिस नामक एक गवर्नर जनरल था, उसने अस्थाई बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए ज़मीन की महसूल निर्धारित की। क्या निर्धारित की, इस पद्धति के अनुसार
कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित की और जमीन की अस्थाई अधिकार जमींदारों को दिया जाता, यानी कि कंपनी ने अपनी आय निश्चित कर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया। यानी आपको नहीं समझ में आएगी, जमीन का अस्थाई अधिकार यानी जिसकी भी जमीन थी उसका अस्थाई कौन है, जमींदारों को दिया जाता, यानी कि कंपनी ने अपनी आय यानी जितनी उनकी आवक है वो निश्चित करके अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया जाता था। दूसरी तरफ क्या होता था कि दूसरी तरफ तन तोड़ मेहनत करके यानी अपनी शरीर को तोड़ मरोड़ करके मेहनत करके चिलचिलाती धूप सह करके जमीन जोत कर फसल पैदा करने वाले का शोषण होता था। और कौन करता था, तो अंग्रेज करते थे। नेक्स्ट है, आप एक बार विचार कीजिए, जमीन महसूल का क्या तात्पर्य है, हम सब कौन कौन से कर भरते हैं उसकी सूची बनाना है। वर्तमान समय में अकाल पड़ने पर लोगों को कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो फिर अंग्रेज काल में परिवार कठिनाइयां क्यों झेलनी पड़ती थी, इसके बारे में विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन का ग्रहण। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक जीवन का जो ग्रहण है उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसके समय में महसूल वसूल करने का कार्य जिसे सौंपा गया था उसे कलेक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यानी जो भी वो कलेक्ट करता था उसे क्या कहते थे, कलेक्टर। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय महसूल वसूल करने के कार्य जैसे जिसे सौंपा गया था उसे कलेक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट, वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था। क्या करता था, न्यायाधीश का भी कार्य करता था। अंग्रेजी राजतंत्र के ऐसे प्रशासन से हमारे देश की पुरानी ग्राम्य स्वराज्य की प्रथा नष्ट हो गई। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव के छोटे छोटे गणतंत्र जैसा था, ग्राम पंचायत ही गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था संभालती, देश के मेरुदंड जैसी यह ग्राम स्वराज्य संस्था थी। बाहरी आक्रमणों के समय और सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी ग्राम स्वराज्य संस्थाएं अड़िग खड़ी थी। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति से यह संस्था क्या हुई, नष्ट हो गई। क्या हो गई थी, तो नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है, कंपनी सरकार ने समाज सुधारक, जो हम कंपनी सरकार थी वो सामाजिक सुधार को नीति अपनाई थी, सामाजिक सुधार की जो नीति थी उसे अपनाई थी। उसने लोगों में भय पैदा किया, लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवाकर भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहती है। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था का बारंबार अवगणना की जाती है, ऐसी मान्यता लोगों में पैदा हुई। आगरा में ऐसा फरमान जारी किया गया था कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेज को सलाम करेगा, यदि ऐसा न किया जाए तो वह दंड या सजा का पात्र माना जाता। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के दिल में रोष और नफरत की भावना उत्पन्न होने लगी। धीरे धीरे क्या हुई, उन लोगों के प्रति गुस्सा पैदा होने लगा। नेक्स्ट है भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश। भारतीय व्यापार और जो उद्योग थे उनका विनाश होने के कगार पे आने लगा। भारत की करघे और यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। क्या करते थे, भारत में भारत के करघे यूरोप और एशिया के
आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। पश्चिम के व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाला सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी। यानी भारत में जो ऊनी कपड़ा बनता था, सन के कपड़े बनते थे, रेशम के कपड़े बनते थे और कॉटन, जिसे हम सूती कपड़ा कहते थे, उसकी क्या होती थी, विदेशों में बहुत मांग होती थी। ढाका की मुलायम, बारीक मलमल और दुनिया में बड़ी मांग थी। यानी जो ढाका में मुलायम कपड़े बनते थे उसका, और मखमल का जो बनता था उसका, पूरी दुनिया में बहुत मांग होती थी। कपड़े के अतिरिक्त सोरा और कपड़े के अतिरिक्त और भी ऐसी चीज़ थी जो, जैसे नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार सोना चांदी का आयात भी होता था। यानी हमारा भारत देश उनको सन के कपड़े, सन से बने हुए कपड़े, ऊनी कपड़े, रेशम के कपड़े, सूती कपड़े विदेश में भेजते थे। जैसे ढाका का मुलायम, बारीक मलमल में दुनिया में बड़ी मांग होती थी। और कपड़े के अतिरिक्त सोडा नमक मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और हमारे भारत देश के लिए उधर से सोने चांदी का आयात यानी आता था, निर्यात यानी जाने वाला और आयात मिस आने वाला काम होता था। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का समझाएंगे, जो अंग्रेज शासन में लागू होता था यही स्थिति बदल गई, सोने चांदी का प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने केवल बंगाल से ही आज के हिसाब में से गिने तो 500 करोड़ रुपए दशक में ले गए थे। विचार करें पूरे देश में कितनी संपत्ति अंग्रेज़ों ने एकत्र की होगी। मैंने भी आपको बताया था कि उसके बाद अंग्रेज, जितना सब कुछ होता था भारत में, आयात निर्यात होता था, भारत से सूती कपड़े, रेशम के, मलमल के, सन के कपड़े जाते थे और उधर से सोना चांदी का आयात होता था। उसके बाद अंग्रेज शासन के लागू होते ही यह स्थिति बदल गई। जब अंग्रेज़ों का शासन मतलब यहाँ भारत में हो गया तो ये स्थिति बदल गई, सोना चांदी का उल्टी दिशा में प्रवाह बहने लगा, यानी उल्टा हो गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने केवल बंगाल में से ही आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र के दशक के शासन में ले गए थे। विचार करें कि पूरे देश में कितनी संपत्ति अंग्रेज़ों ने इकट्ठा की होगी। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का समझाएंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।